नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की वादा खिलाफी के चलते बवाल मचा हुआ है। बता दें कि जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं कांग्रेस के झूठे वादों से तंग आकर प्रोफेसर पिछले 72 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो सभी गेस्ट प्रोफेसरों को परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक कमलनाथ सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और तो और, 72 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को भी कमलनाथ सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया है और इसे नजरअंदाज किया है, जिसके चलते महिला गेस्ट प्रोफेसर ने ऐसा कदम उठाया जिससे अब सरकार के काम काज की काफी फजीहत हो रही है। बता दें कि महिला गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन खान ने बीते 72 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। इसी कड़ी में डॉक्टर शाहीन खान ने अपने बालों को ही मुंडवा दिया और कहा कि वो अपने इन बालों को राहुल गांधी के पास भेजेंगी ताकि उनको इससे अपने मैनिफेस्टो के वादों की याद आ सके। इसी कड़ी में कमलनाथ का 2018 का ट्वीट भी वायरल हो रहा है। बता दें कि इस ट्वीट को कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि केश नारी के लिए श्रृंगार व सम्मान का प्रतीक होते हैं, और नारी अगर अपने हक की लड़ाई के लिए उसका ही त्याग कर दे तो उसके दुख और पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतिथि विद्वान बहनों द्वारा कराया गया मुंडन दिल को झकझोरने वाला कदम है। पूरा प्रदेश इस घटना से शर्मसार हुआ है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, या फिर कि इनको इन महिलाओं की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। इस घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के 2018 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी आज भी केश नारी के लिए सम्मान का प्रतीक है। अतिथि विद्वान बहनों ने आपकी सोती हुई सरकार को नींद से जगाने के लिए अपने केश त्यागे, क्या आज आपको उनकी पीड़ा का अंदाजा है? क्या आपकी नजर में आज प्रदेश शर्मसार हुआ? क्या उनकी भलाई के लिए आप कोई कदम उठाएंगे? इसी तरह से कमलनाथ सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक उन्होंने इन गेस्ट प्रोफेसरों के साथ अन्याय किया है, क्योंकि अब की कमलनाथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार आईफा अवार्ड पर तो फिजूल खर्च कर सकती है, लेकिन अपने वादों को निभाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिन वादों के सहारे कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।